धन्यवाद उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोविजन अमेंडमेंट बिल 2015 एक महत्वपूर्ण और जरूरी कदम है, जिसे बहुत पहले होना चाहिए था और मैं इसका समर्थन करता हूं। क्यों? हमारे मित्रों ने अनेक व्यवहारिक कठिनाइयां बताई हैं, वे सही हैं और मैं अपेक्षा करूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी उनका उत्तर देंगे, पर एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं कि राजनीति के प्रति आज जो अनास्था बढ़ रही है उसको रोकने के लिए ऐसे अनेक कदम आज जरूरी हैं जो हमें मिलकर उठाना चाहिए। हम यह अपेक्षा करेंगे माननीय वित्त मंत्री जी से कि वो बताएं कि जो उनका चुनावी वादा था कि हर भारतीय को 15-20 लाख रुपए विदेश से जो काला धन आएगा उसमें मिलेगा, उसका क्या हाल है और आज वह किस स्थिति में है। मैं यह भी अपेक्षा करूंगा उनसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्टैंडिंग कमिटी 2015-16 की सभी अनुशंसाएं जो थी उनमें से जिनको उन्होंने नहीं मानी उसके पीछे क्या सरकार का औचित्य था। मैं यह कहना चाहूंगा कि बेनामी संपत्ति रोकने का 1988 से एक्ट जरूर था पर वो ऑपरेशनल नहीं था, उसमें बदलाव कर यह बिल आया है। इस बिल के बाद सरकार ऐसी संपत्ति जब्त कर सकती है, पर व्यवहारिक सवाल माननीय नरेश जी ने बहुत बेहतर तरीके से उठाए, इस पर जरूर सरकार को बताना चाहिए। पर मैं याद दिलाना चाहूँगा और खास तौर से वित्त मंत्री जी मौजूद होते तो उनसे यह मेरी निजी अपील होती कि वो राजनीति का मर्म जानते हैं, कानून के भी श्रेष्ठ जानकार हैं, पर उनको याद दिलाना चाहूँगा कि अच्छे कानून का इस देश में हश्र क्या होता रहा है। इस देश में जमींदारी उन्मूलन कानून आया, भूमि अतिबंधी लैंड सीलिंग का की व्यवस्था हुई, कुत्ते और बिल्लियों के नाम दशकों तक जमीनें रहीं, यह स्थिति कैसे रही? ब्यूरोक्रेसी के हाथ में अगर हम सारी ताकत दे देंगे तो कहीं ये हालात इसका दुरुपयोग न हो। और मैं याद दिलाना चाहूँगा कि माननीय वीपी सिंह जी जब वित्त मंत्री थे तो रेड राज की जो स्थिति हुई थी सही लोगों पर भी वो स्थिति कम से कम आपके ज़माने में न बने, यह अपेक्षा होगी। मैं मानता हूँ कि आधुनिक युग के मार्केट इकोनॉमी के नए जमींदार और जागीरदार ये बेनामीदार हैं। ऐसे प्रकरण बिल्कुल सार्वजनिक रूप से सामने आते रहे हैं कि उद्योग धंधा बेनामी चलते हैं, कंपनियों के शेयर्स बेनामी चलते हैं, ड्राइवर कुक और गार्ड्स डायरेक्टर कंपनियों में होते हैं, फिक्टिशियस कंपनियां होती हैं और इन सबसे क्या असर होता है? ब्लैक मनी जनरेट होता है। इस तरह की आर्थिक गतिविधियों से कुल मिलाकर समाज पर मोटे तौर पर क्या असर पड़ता है? मैं 3-4 चीज़ें कहना चाहूँगा। सामाजिक तनाव, सामाजिक आर्थिक विषमता, पैरेलल इकोनॉमी। आज देश के पास टैक्स का पैसा नहीं होता, खर्चे लगातार आपके बढ़ रहे हैं, रक्षा से लेकर हर चीज़ में हम चाहते हैं कल्याणकारी योजनाओं में पैसे बढ़े, पर उस पैसे को लाने का साधन कहाँ से? कितने लोग आज टैक्स देते हैं? सरकार ने आंकड़े दिए हैं, करोड़ों जिनकी आमद है वो कैसे कितना कम टैक्स देते हैं यह भी पता चला है। कैसे करोड़पति जो दूसरा काम करते हैं और कृषि को अपना व्यवसाय बना करके वो अपना इनकम दिखाते हैं। तो इस हालात को ठीक करने के लिए ऐसे अनेक कानून चाहिए, इसलिए मैं मानता हूँ कि यह जरूरी है। अब रियल इस्टेट की स्थिति देख लीजिए, आज लाखों मकान खाली हैं, घर खरीदने वाले चाहते हैं उनके पास उतने पैसे नहीं हैं, वो पैसे किन लोगों के लगे हैं? कहा जाता है कि इसमें भारी ब्लैक मनी लगी हुई है। कम से कम ये बेनामी इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें इनसे रुके, यह उम्मीद हम लोग करते हैं। आज टेक्नोलॉजी ने इसको संभव बनाया है, आधार, कैशलेस इकॉनमी, पैन, बैंक अकाउंट्स, इन सब का वेरिफिकेशन, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। लेकिन ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह अभी देश में हो नहीं पाई हैं, इनकी व्यवस्था अच्छी तरह संबंधित विभागों से हो तो शायद यही स्थिति बेहतर हो। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि सिर्फ कानून से ही चीज़ें नहीं बदलती, माहौल भी बनाना पड़ता है। इस संदर्भ में मैं बिहार में 2010 में बने कानून का याद दिलाना चाहूँगा, बिहार भ्रष्टाचार संपत्ति जब्त अधिनियम। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको बनाया और उनका आग्रह था कि सार्वजनिक जीवन से कैसे भ्रष्टाचार हम खत्म करें। उनका नारा था कि आईएएस आईपीएस जो गलत ढंग से या प्रशासनिक अधिकारियों ने संपत्ति बनाई है उन घरों को कब्जा करेंगे वैधानिक तरीके से और उसमें स्कूल सरकारी खुलेंगे, वह करके उन्होंने दिखाया। साथ साथ इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट 2013 में उन्होंने गठित किया कि कैसे अपराधों को रोकने के लिए इसकी जाँच हो। और मुझे जब मैं यह प्रसंग सुन रहा था तो याद आया कि नरसिंह राव जी के ज़माने में मुंबई विस्फोट हुआ, उसमें एनएन बोरा कमेटी बनी जिसने बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट दे रखी है, अब तक लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मुझे उम्मीद है कि इस कानून से शायद वह स्थिति बने। दो चीज़ें मैं अंत में आपसे एक कहना चाहूँगा, मेरे मन में बार बार बात उठती है कि निर्भया प्रकरण जैसी गंभीर घटना इस देश में हुई, कठोर कानून बना और आज हालात क्या हैं। स्पष्ट है कि सिर्फ कानून से चीज़ें नहीं होती, माहौल देश में बनना चाहिए
और वह राजनीति ही बना सकती है। राजनीति में इस तरह की स्थिति हो और जो ड्राइविंग सीट पर लोग हैं उनसे अपेक्षा की जाती है। मैं याद दिलाना चाहूंगा, गांधी जी नोआखाली में थे, नोआखाली की स्थिति बहुत खराब थी। उन्होंने कहा अगर सामान्य स्थिति हो गई इसकी परीक्षा तब होगी जब एक महिला और खासतौर से मनु जो उनको साथ रहती थी उनके नाम को लेकर कहा कि वो अकेली रात में जाए, उनके साथ कुछ न होता मैं मानूंगा कि कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है। तो राजनीति इस चीज को अपनाए। अंत में मैं एक प्रसंग सुना करके अपनी बात खत्म करूंगा। हमारी सरकार के लोग खासतौर से दीनदयाल जी का बड़ा नाम लेते हैं। मैं अगर माननीय वित्त मंत्री जी रहते तो मैं उनसे कहता, यह मैं जानता हूं कि शायद उनकी इच्छा के अनुरूप यह नहीं हो रहा, कि देश की राजनीति को गौरव इच्छा के सवाल पर हम क्या तनाव पैदा कर रहे हैं, दलितों की स्थिति हो रही उस पर क्या तनाव पैदा कर रहे हैं। इनसे हटाएं और इन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करें। और जिस दीनदयाल उपाध्याय की बात करते हैं, जिस मालवीय जी को उन्होंने भारत रत्न दिया, उनके जीवन की कथा बहुत छोटी से सही प्रसंग सुनाकर अपनी बात खत्म करता हूं। जो सात्विक आदर्श बने तो शायद इस कानून को अच्छी तरह से यह सरकार इंप्लीमेंट कर सकती है। प्रसंग ये था कि मालवीय जी काशी विश्वविद्यालय के कुलपति थे, बहुत छोटा प्रसंग है। उनके घर में दो किचन चलता था, एक किचन जिसमें उनका खाना बनता था, दूसरा किचन जिसमें उनके घर के लोगों का खाना बनता था। एक सुबह उनके किचन में खाना बना था, उनके घर के किचन में नहीं बना था। उनका पोता जा रहा था परीक्षा देने के लिए, वो पूछने आया रसोईया कि क्या हम इस लड़के को खिला दें, गांधी जी ने मना किया मत खिलाओ। वो लड़का परीक्षा देकर लौट कर आया, तब तक वह भूखे थे। उस लड़के ने पूछा कि क्यों आपने हमें आपके किचन में नाश्ता बना था, हम भी कर लेते, आप भी कर लेते, आप भूखे थे, आपने क्यों नहीं किया। तो उसका जो गांधी जी ने जवाब दिया वो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो इस सरकार समझे। गांधी जी ने कहा कि मेरे खाने का पैसा भारत रत्न शिव प्रसाद गुप्त, जिन्होंने बहुत दान दिया, जिनको बाद में भारत रत्न सरकार ने दिया, आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान था, उनके यहां से दान के स्वरूप आता है। और मैं चूंकि देश की कुछ सेवा करता हूं इसलिए उस दान के अन्न को पचा सकता हूं। तुम लोग घर के लोग अपने श्रम से जो कमाते हो पैसा खाओ, तो कम से कम मालवीय जी को आप याद रखें और चुनाव में खर्च को कम करें, चुनाव में अपना पैसा कम करें, खर्च तो शायद हालात बदले। धन्यवाद।